जेएनयू में चार्ट सम्मेलन छात्रों द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को बड़े ही मजाकिया तर्ज पर किया गया। गधे पर सवार दूल्हा जिसकी बारात पूरे कैंपस में घूमी, बाराती भी पूरा हुड़दंग करते हुए कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। बुरा न मानो, होली है, गधे पर सवार ये दोनों दूल्हा हैं जो शादी करने चले हैं। मंजिल है कैंपस में चार्ट सम्मेलन तक पहुंचने की। कब्र पर अगरबत्ती और फूल चढ़ाकर दोनों ने रस्म अदायगी की। गधे पर सवार दोनों दूल्हे बड़े शान से बारात में निकले थे और बाराती भी ढोल नगाड़े पर जमकर नाच रहे थे। चार्ट सम्मेलन का आयोजन स्थानीय छात्रों ने किया था। इसमें पूर्वांचली गाने गाए गए तो वहीं मोदी और ट्रंप को लेकर भी शरारती बातें कही गई। जेएनयू कैंपस में मशहूर मामू ने भी कार्यक्रम में अपनी बातें कही। अब आपको आइए सुनवाते हैं चार्ट सम्मेलन की जो विशेष बातें कही गई हैं जेएनयू कैंपस में, उसके बारे में। चार्ट सम्मेलन मजाकिया तर्ज पर आयोजित किया गया था। आइए आपको आगे सुनवाते हैं चार्ट सम्मेलन। लाने वाला लाया नहीं, गालिब की तरह कमर पर गालिब को शराब नहीं मिली। गुस्से में मस्जिद चला गया, नमाज पढ़ने चला गया। लोगों ने कहा साहब आ गया तो नमाज पढ़ लीजिए। देखा दरवाजे पर हजारा शराब उसका लेके जूता चप्पल उठाया भागने लगे। बोला अरे घुसे हैं तो कुछ तो नमाज रोजा कर लिए। बोला तुम इबादत करते रहो, तुम दुआएं मांगते रहो, मेरे मस्जिद में घुसने के बाद मेरी दुआ कबूल हो गई थी तो मेरे शराब आगे में जा रहा हूँ। तो शराब नहीं पीते भी खूबसूरत शराब पे शेर कह सकता हूँ। शराब खार तो मैं हूँ लेकिन हूँ बातहजीब। शराब खार तो हूँ लेकिन हूँ बातहजीब। ज़बान तराश लो गर्मों में लफ्ज़े तू आए, और मज़ा तो सोहबत रिंदा का जब है ऐ वाइज। शराब हम पिए और तेरे मुंह से बू आए। शराब हम पिए और तेरे मुंह से बू आए। झूठ कहने से फायदा क्या है, मैं तो बेशक शराब पीता हूँ। झूठ कहने से फायदा क्या है, मैं तो बेशक शराब पीता हूँ, और रोज़े महशर हिसाब का डर है इसलिए बेहिसाब पीता हूँ। बारात बहुत करीब आ चुकी है। होली के इस मौके पे जिसकी शुरुआत दो चार लोगों ने मिलकर एक बुनियाद रखी थी, उसमें मैं भी शामिल था, और वो 10 लोगों से शुरुआत होते होते आज 5,000 की भीड़ तक आ पहुंची है। ये आप लोग की बेपनाह मोहब्बत की कुर्बानियों ना रखे हुए हैं। कम से कम जेएनयू जब तक रहे, होली तब तक रहे। नहीं चाटते तो हम जेएनयू के बाद भी रहेंगे, तुम घबराओ मत। चाट तो हम बहुत बड़े हैं यार, तुमको पता ही चल। तो मोदी जी से बड़े चाट निकले तो यही है चार्ट परंपरा। मतलब आप कुछ मत बोलिए, मजे लेंगे। तो आप ट्रंप हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे सौरभ शर्मा हो, चाहे नित्यानंद हो, चंद अशार मैं आपकी खिदमत में छोड़ देता हूँ। चढ़ जाइए तो चढ़ जाइए, नहीं तो कोई दिक्कत हमको है ही नहीं। कुछ पुराने चार्ट तो अभी भी मौजूद होंगे, वो तो यूं ही चढ़ जाएंगे क्योंकि 15 साल से मैं एक ही चीज सुना रहा हूं उसको। चढ़ गए फाइनली वो, अरे ममुआ की फिर वही अरे यार। मगर जितने भी नए चेहरे हैं, नए मेहमानान हैं, उन लोगों को वो शेर हमेशा ताजा और नया लगेगा इसलिए कि आपने पहली बार सुना होगा उसको। कुछ चोरी का है जिसमें शायरों का नाम नहीं बताता मैं। जब तक शायरों का नाम नहीं पता चले तब तक मेरे ही समझते रहिएगा। ये ढूंढिए, जब पता चले तो कोई दिक्कत नहीं।